हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुकृत और आप देख रहे हैं टेकी स्टफ। आप सभी लोगों का हमारे डेली टेक के एक और नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हमारे पास बहुत सारे इंटरेस्टिंग न्यूज़ आ चुकी है, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर से देखना और एंजॉय करना। इसी के साथ में आपके लिए हमारे चैनल पे बहुत ही जल्दी एक सरप्राइज प्रो मैक्स आने वाला है। आई होप आप लोग जो है वो हिंट समझ गए होंगे। और इसी के लिए सारे अपडेट्स के लिए जो है वो आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक्स जो है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर के। तो वीडियो को शुरू करते टाइम ही मैं आप लोगों को बता दूं कि इंडिया में अपकमिंग डेज में बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है वो लॉन्च होने वाले हैं, और इसी के रिगार्डिंग बहुत सारी जो लिस्टिंग्स है वो BIS सर्टिफिकेशन पे हो चुकी है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि कौन से प्रोडक्ट जो है वो इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन पे यहाँ पे लिस्ट हो चुके हैं। सबसे पहले बात करें तो इंटेक्स के कुछ पावर बैंक्स जो है वो इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन पे लिस्ट हो चुके हैं। इसका मतलब आप लोगों को इंटेक्स की तरफ से कुछ पावर बैंक्स जो है वो बहुत ही जल्दी इंडिया में देखने को मिल सकती है। इसी के साथ में Xiaomi के कुछ पावर अडेप्टर्स जो है वो भी इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन पे लिस्ट हो चुके हैं। इसका मतलब आप लोगों को जो है वो पावर अडेप्टर Xiaomi की तरफ से बहुत ही जल्दी इंडिया में देखने को मिलने वाले हैं। और Motorola की बात करें तो Moto G9 Power और Moto G जो कि 5G वेरिएंट है Moto G का, ये दोनों ही स्मार्टफोन जो है वो भी इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन पे लिस्ट हो चुके हैं। ये भी आप लोगों को बहुत ही जल्दी इंडिया में देखने को मिलने वाले हैं। तो आप लोग मुझे यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या आप लोग यहाँ पे Motorola के फ़ोन परचेज करने में इंटरेस्टेड है या फिर नहीं। और इसी के साथ में एनर्जाइजर कंपनी की तरफ से भी एक स्मार्टफोन इंडिया में बहुत ही जल्दी लॉन्च होगा। इसकी बैटरी जो है वो भी इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन पे लिस्ट हो चुकी है। इसका मतलब एनर्जाइजर की तरफ से हमें इंडिया में एक बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। और सबसे आखिर में बात करते हैं एप्पल की, तो एप्पल की तरफ से भी आप लोगों को वायरलेस हेडफोन्स या फिर ईयरफोन्स जो है वो बहुत ही जल्दी इंडिया में देखने को मिलने वाले हैं। एप्पल के कुछ वायरलेस हेडफोन्स और ईयरफोन्स जो है वो भी इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन पे यहाँ पे लिस्ट हो चुके हैं। तो अब बढ़ते हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज़ की तरफ, जो कि आ रही है Xiaomi की तरफ से। और Xiaomi का एक अननोन स्मार्टफोन यहाँ पे Geekbench पे लिस्ट हो चुका है, जिसमें आप लोगों को 6GB की रैम और Qualcomm Snapdragon 875 वाला प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है। और बहुत ही जल्दी ये स्मार्टफोन ऐसे बताया जा रहा है कि लॉन्च होगा, और देखते हैं कितनी जल्दी हमें ये स्मार्टफोन इंडिया में देखने को मिलता है और क्या प्राइसिंग पे Xiaomi इसको जो है वो लॉन्च करता है। और इसी के साथ में एक और अच्छी न्यूज़ की बात करूँ तो Lenovo Legion गेमिंग स्मार्टफोन जो है ये भी आप लोगों को इंडिया में बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। इसका जो प्रोडक्ट पेज है वो Lenovo के ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे लाइव हो चुका है। इसका मतलब ये स्मार्टफोन जो है आप लोगों को इंडिया में बहुत ही जल्दी देखने को मिलने वाला है। तो क्या आप लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड होंगे Lenovo के Legion गेमिंग स्मार्टफोन में? आप लोग मुझे यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं। तो बढ़ते हैं आखिरी न्यूज़ की तरफ, जो कि आप लोगों को देखने को मिलती है Fortnite की तरफ से। और Fortnite और एप्पल का यहाँ पे इशू चल रहा था, लेकिन अब iOS यूजर्स के लिए यहाँ पे एक गुड न्यूज़ है कि वो लोग Fortnite को जो है वो iOS पे खेल पाएंगे। और आप लोग जो है वो Fortnite को NVIDIA के क्लाउड गेमिंग सर्विस से जो है वो एक्सेस कर पाएंगे। तो अगर आप लोग यहाँ पे iOS यूज़ करते हैं तो आपके लिए ये एक बहुत ही अच्छी खबर है। वैसे आप लोग मुझे यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या आप लोग यहाँ पे Fortnite खेलते हैं या फिर नहीं। और अगर आप लोगों को लगता है कि आपके किसी टेक रिलेटेड क्वेश्चन का मैं मेरे वीडियो में यहाँ पे आंसर करूँ, तो सिंपली इस वीडियो के नीचे जाके कमेंट सेक्शन में #techiequestion यूज़ करके आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, और ऐसे ही मैं आप लोगों के सवालों के जवाब मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दे दूंगा। और इसी के साथ में बढ़ते हैं आज के टेकी फैक्ट की तरफ, जो कि आप लोगों को कंप्यूटर माउस से रिलेटेड यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और वर्ल्ड का जो फर्स्ट कंप्यूटर माउस यहाँ पे क्रिएट किया गया था वो जो है वो प्लास्टिक से नहीं बल्कि यहाँ पे लकड़ी से तैयार किया गया था। और उसके ऊपर जो है राइट साइड में आप लोगों को एक बटन देखने को मिलता था क्लिक के लिए। तो कैसा लगा आप लोगों को आज का टेकी फैक्ट, आप लोग मुझे यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं। तो बस इतना ही था दोस्तों इस वीडियो में। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ऐसे ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपडेट्स देखने के लिए। और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि जब भी मैं अपकमिंग अनबॉक्सिंग या फिर रिव्यूज़ के वीडियोज़ डालूँ तो उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलनी चाहिए। और मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे।